फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज बनाऊंगी मैं हुडी सेट। गोगलू मोगलू सा है ये, उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। पिंक कलर का है यो, लाइट पिंक यानी बेबी पिंक। ये बहुत ही गर्म है, जमाई सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। इस कपड़े का नाम का तो बेरा को नहीं, मैंने के है प्लेनो का नाम तो दिया था दुकानदार ने। बहुत ही गर्म है यू, बहुत ही जमा पैर पक्ष है, जमा सर्दी तो क्या ना लायक जाएगी। इसकी मैं हुडी और पजामा सेट बनाऊंगी। ये कर लूँ मैं इसकी कटिंग करूंगी इस नाप के अनुसार। लंबाई है 26 इंच, तीरा 16 इंच, छाती 40 इंच, बाजू 23 इंच और जो टोपा लगेगा उसकी लंबाई 14 इंच और चौड़ाई 10 इंच। कंगारू जेब की लंबाई 9 इंच, चौड़ाई 14 इंच। इसका अकॉर्डिंग करूंगी मैं हुडी की कटिंग। यह कपड़ा है, ये देखो इतनी चौड़ाई है इसकी, बहुत ही ज़्यादा चौड़ाई है। 2 मीटर का लगभग है इसकी चौड़ाई, 2 मीटर तक भी ऊपर है इसकी चौड़ाई, 2 मीटर की चौड़ाई है। और लंबाई पूरा थान का थान है, जितना लगेगा नहीं मैं बाद में बता दूंगी कितना लग गया हुडी का कपड़ा। एक कर लूँ मैं इसकी कटिंग। डबल फोल्ड में बिछा लिया और ये अड़ता तिरछा है कहन में है, इसका सीधा निशान लगा दूंगी। ये कैंड कैंड ली कपड़े की और ये लगा लिया, 26 इंच तैयार है लंबाई, तो ये लगा लिया 28.5 इंच पर निशान। 2 इंच नीचे तो मुड़ जाएगा, आधा इंच सिलाई में चला जाओगा तो 26 इंच तैयार बच जाएगी। और चौड़ाई ले ली मैंने इसकी 21 इंच, 20 इंच तैयार है, 1 इंच मार्जिन का ले लिया, 20 इंच तैयार रह जाएगी, 1 इंच मार्जिन में चला जाओगा, आधा इंच उड़ाना आधा इंच उड़ाना। ये निशान लगा लिया, इस पर तो कटिंग कर दूँगी। और इसने एक और फोल्ड कर दूंगी, डबल फोल्ड में है ये, 4 फोल्ड हो जाएगा। ये 4 फोल्ड में कर लिया, ये 4 फोल्ड में है दोनों, इससे साथ में ही निकालूंगी, इनके अलग अलग को निकालू। ये 4 फोल्ड में कर लिया और तीरा है 16 इंच, 16 इंच का अर्धा हो गया 8 इंच, 8 इंच पर निशान लगा दिया यो। और 8 इंच लूंगी आर्म होल खातर, 8 इंच पर यो निशान लगा दिया। ये आर्म होल की गोलाई दे दूंगी, और 3 इंच पर रखूंगी गला, ये 3 इंच पर निशान लगा दिया। और 3.5 इंच पर लगाऊंगी सेफ दे दूंगी गला की। ये अगला हिस्सा का है, ये 1 इंच पर पिछला गला का निशान लगा दिया, ये पिछला गला का हो गया, ये अगला गला का हो गया। और 1 इंच दूंगी मोटा पता डाउन, 1 इंच पर निशान लगा दिया और उसने एड लग मिला दूंगी। ये आर्म होल का अगला हिस्से का निशान लगा दिया, आधा इंच अंदर की साइड करके ना, और आधा इंच निशान लगाऊंगी कमर पे, ये थोड़ी शेप अच्छी आ जाएगी इसने, यूँ मिला दूंगी। ये कटिंग होगी इस पर, ये कर दूँ मैं इसकी कटिंग। यो पिछला हिस्सा एक साइड कर दिया, ये अगले हिस्से की आर्म होल की और गले की और कटिंग कर दूँ। ये अगला पिछला हिस्सा की कटिंग कर दी, ये एड़ तो कैट दिया, यो अगला पिछला हिस्सा हुडी का, ये भी यो बच गया 28 इंच पर ले लिया था यो साइड में, तो इसमें तो बाजू निकालूंगी मैं। यो 2.25 मीटर का अर्ज है इसका, इतना मत है, ये एड़ तो बाजू निकालूंगी। बाजू की लंबाई है 23 इंच, ये आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाओगा, 1.5 इंच नीचे मोड़ना मैं तोलूँगी। ये 25 इंच पर निशान लगा दिया और इसने 4 फोल्ड में कर लूँगी। ये डबल फोल्ड में 16 इंच का ले लिया, चौड़ाई में 16 इंच का ले लिया, 8 इंच लगेगा आर्म होल में और 25 इंच लंबाई में। और इसने 4 फोल्ड में कर दूँगी, डबल फोल्ड में तो है यू, ये 4 फोल्ड में कर दूँगी। आगे तो रखूँगी इसने खुला 4.5 इंच, ये 4.5 इंच पर निशान लगा दिया और 1 इंच मार्जिन का रखूँगी। आर्म होल का निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पर, ये 3.5 इंच पर निशान लगा दिया और इसकी ये गोलाई दे दूँगी। ये आर्म होल की गोलाई दे दी, जिस तरह हम बाजुआ की दिया कर रहा हाँ। और ये अगली साइड और इसने एड़ता है, ये एड मिलाऊँगी।
और इसकी कटिंग कर दूंगी। ये होगी बाजू की कटिंग धनुआ की, और यो अगली साइड की भी आरमोल की कटिंग कर दूंगी। ये धनु बाजुआ की कटिंग होगी। ये बुड्ढी का टोपा काटूंगी। ये टोपे की लंबाई ले ली 14 इंच, तैयार रखनी है तो 15 इंच ले ली, और चौड़ाई ले ली 12 इंच। 9 इंच तैयार रखूंगी, आधा इंच उरान सिलाई में चली जाओगी, 1.5 इंच उरान है तो 12 इंच ले ली। ये 12 इंच पर निशान लगा दिया। और इब ये पीछे की साइड तक काटूंगी, 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसने यूँ तिरछा मिला दूंगी। ये थोड़ा है यूँ तिरछा मिला दूंगी, या कैप जुड़ेगी अगला पिछला हिस्से का। ये तिरछा मिला दिया और ऊपरली साइड तक 3 इंच लूंगी, 3 इंच उरान लूंगी और 3 इंच उरली साइड, तो इसकी ये गोड़ाई दे दूंगी। आधा इंच उरत है और इस नाड़ तक सीधा मिला दूंगी, वही भी इसकी कटिंग कर दो। ये है सिलाई लगा दूंगी, ये कटिंग करूंगी तो इसका बुरसा निकल आऊगा। ये होगी टोपे की कटिंग, ये डबल फोल्ड में काटी है। ये रहेगी आगे जेब लगानी, जेब की और कटिंग कर लो। ये भी निकालूंगी मैं कंगारू जेब, ये 10 इंच तो लंबाई ले ली और 7.5 डबल फोल्ड में चौड़ाई ले ली, सिंगल में हो जाएगी 15 इंच। और या निचली साइड है या ऊपर की साइड है, यो 1 इंच पे निशान लगा दिया निचली साइड, और नीचे तक 4 इंच पे ऐड निशान लगा दिया। इन दोनों निशाना ने यूँ मिला दूंगी। ये चाक चलता को नहीं, रूआ है गणा है इस कपड़े में जमाए, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। और 2 इंच ऊपर तक लेंगी, ये 2 इंच पर निशान लगा दिया, और ये 2 इंच वाला निशान जो नीचे तक 4 इंच पर लिया था इस पर मिला दूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी, या कंगारू जेब हो जाएगी। ये होगी उड्डी की कटिंग, ये ऊपर उड्डी होगी टोपा, और ये जेब होगी, ये बाजू होगी, ये अगला पिछला हिस्सा हो गया, कटिंग होगी कंप्लीट। ये कर लूँ मैं इसकी स्टिचिंग। ये पहले मोड़े जोड़ दूंगी, ये मोड़े की सिलाई लगा लूँ दोनों मोड़े पर। ये दोनों साइड के मोड़े मोड़ दिए, ये पहले बाजू लाऊंगी, ये बाजू ना मोड़ लूँ आगे तक, ये यूँ रखूंगी और इस पर सिलाई लगा दूंगी। ये दोनों बाजू नुए मोड़ दूंगी आगे तक, ये भी है बाजू ना मोड़ा का जोड़ूंगी। ये बाजू है ये नू देख लूंगी कि अगली साइड कौन सी है, पिछली साइड कौन सी, ये अगली साइड है, ये अगली साइड रखूंगी और ये भी ऐड रखूंगी और यह सिलाई लगा दूंगी सीधी मोड़ा का। या एक बाजू ला दी, दूसरी और न्यू ला दू, दोनों साइड बाजू ला दी, ये भी आ सिलाई और लगा दू साइड वाली। ये बाजू पर शुरू करूंगी और दूर नीचे तक लगा दूंगी। ये अपना हिसाब था अगत है, ये बाजू की मोरी खुली रख सको हो, मैं रखूंगी 4.5 इंच की। इतना गर्म है ये कपड़ा सर्दी का मौसम में, तो क्या ना सर्दी लग लेगी बहुत है। ये पहन के तो दूसरे पहनने ना जिए को नहीं करा, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट हो नहीं है बहुत है, और बहुत ही आसानी तो सीमे जा सके घर पर। ये जॉइंट पर जॉइंट आया है, ये जॉइंट पर जॉइंट मिला दूंगी, और ये जो ये जोड़ हुआ है इसका एक हिस्सा उस साइड कर दे, एक हिस्सा इस साइड, नहीं तो मोटा हो जाएगा यो एक साइड, तो दोनों साइड तक नीचे तक भी और ऊपर तक भी।
एक साइड सिलाई लगा दी, दूसरी साइड भी नुए लगा दू, दोनों साइड सिलाई लगा दी। ये बिछने सीधा करूंगी, और यह कैप तैयार करूंगी बिस की। ये बिस की कैप की सिलाई करूंगी, ये ऐड तो लेंगी, ये निशान लगा रखा, ऐड सिलाई लगाऊंगी। ये इसने सुगरदा सील दूंगी नीचे तक। ये टोपी का पीछे वाली सिलाई लगा दी, ये भी वो आगे तक मोड़ूंगी। ये अगली साइड तक इतना मोड़ दूंगी। टोपा कर लिया तैयार ऊपर का, ये भी इसने इसका गला पर लगा दूंगी। अगली साइड का गला का बीच सेंटर है, यो निशान लगाऊंगी, और यो पिछाड़ा, और उड्डी का यो आगा होगा और यो पीछा है, यो ज्वाइंट है। ये भी ये टोपी जोड़ूंगी इसका, पहले इन्हें ऐड जोड़ लो, ये टक्का ला लूँ मैडम, ये जो सिलाई करी थी आगे इन आपस में जोड़ लो। ये नु हो जाएगी ऊपर नीचे, और इसने ये भी यो रखूंगी, ये उल्टी साइड, ये टोपी भी उल्टी साइड, और यो भी इस ज्वाइंट पर रखूंगी, ये एकदम बीचों बीच, और इस पर सिलाई लगा दूंगी। ये दोनों साइड उल्टी रख ली, और इस पर सिलाई कर दूंगी। ये बीच ज्वाइंट पर ला दी अगली साइड गला का, और ये चुगरदा सिलाई लगा दूंगी। यो टोपी वाला ज्वाइंट इसके पीछे आना चाहिए इस ज्वाइंट पे, ये देखो पूरा पूरा होगा। ये बीच वाला ज्वाइंट आ गया पीछे वाला, इस पर यूं रखूंगी और यह सिलाई कर दूंगी। और भी इसने यूँ काट दूंगी इसमें टोपी कमा को, और यू नू हो जाएगा, यह सिलाई लगाना में आसानी होगी, यह सिलाई और लगा देगी। और ये देखो पूरा पूरा आया है टोपा, ये भी दो जोड़ है, तो एक उड़ाना करूंगी, एक उड़ाना करूंगी, एक साइड करूंगी, तो नू मोटा मोटा हो जाएगा। और इस नई वाड़ा अच्छी तरह पक्का कर दूंगी। ये भी वो नीचे तोर मोड़ दूँ, 26 इंच हेड तक तैयार हुआ है, ये इतना कपड़ा बचा है, तो इतना ये 2 इंच बच गया, ये 2 इंच नीचे तो मोड़ दूंगी, ये 2 इंच पर निशान लगाऊंगी चारों तरफ, और इसने नीचे तो मोड़ दूंगी। ये नीचे तो मोड़ूंगी, ये आड़े इस ज्वाइंट पर तो शुरू करूंगी, साइड आड़ पर यूँ करूंगी, ये 2 इंच पर, और इसका सिलाई लगा दूंगी। ये निशान लगा रखे हैं, इन तो बहुत आसानी होगी, नूना नूना को नहीं होगी, तिरछा टाका कौन जाओगा। ये होगी सिलाई हुड्डी की, ये भी लगाऊंगी इसका जेब। ये सिलाई करने तो पहले भी लगा सको हो, बाद में भी, मैंने पहले सिल ली थी उसका, सिलाई करने तो पहले लाई थी, इसका मैं ही बाद में लाऊंगी, किसी तरह भी लगा सको हो, बहुत आसानी रहो, सिलाई करने तो पहले लगाओ तो और भी आसानी हो जाए। ये भी इसने बीच सेंटर में रखूंगी, इतना हिस्सा उड़ाना है, इतना ही उड़ाना है, पहले तो इसका जेब का ये सिलाई लगाऊंगी, ये ऐड तय ऐड अलग सिलाई कर दूंगी, और ये उरली साइड ये सिलाई कर लियो पहले, ये नू हो जाएगी, फिर ये जेब का सिलाई लगा ली दोनों साइड। ये भी इसने पहले सुई धागा गला यूँ मोड़ के ना इसकी सिलाई कर लियो, और फिर लगाना में आसानी होगी हुड्डी का।
ये सुई धागा गला है चुगरदा को जेब शिमली ये बुलाना में जमा आसानी हो जाएगी। ये भी हो 20 सेंटर है, इसका 20 इंच खुली है या तो यू 20 सेंटर कर लिया 10 इंच पे, याडा 10 इंच पे इसका 20 सेंटर रखूंगी जेब का। यो 20 सेंटर है और इसने भी सुई धागा गला लगा दूंगी पहले, फिर नुन्ना नुन्ना को नहीं लगी या टेडी मेडी को नहीं होगी। इसने सुई धागा गला चुगरदा तो सीम दू, ये जो खुली जेब रखनी है नी ये भी गला ही सीम दूंगी। ये नीचे तय 2.5 इंच ऊपर रखी है, इसने यू पकड़ूंगी ये हाथ लाऊंगी नीचे, नहीं तो यू नीचा वाला हिस्सा भी गला आने का बह रहेगा, और इसने यू सील दूंगी मोटे मोटे तक टके ला दूंगी और फिर उधेड़ दूंगी इन्हें सिलाई लगा के। ना ये जेब सील दी सुई के गेल चुगरदत है, ये भी इस पर सिलाई लगा दू, ये ऐड तो छोड़ूंगी ये दनू, ये तो जेब होवेंगी ऐड लगा दू और ऐड तय ऐड तक ये भी इसका ये ऐड तो स्टार्ट करूंगी सिलाई लगानी। ये नीचे वाला हिस्सा है एक पास निकालूंगी, अगला हिस्सा का ये लगा दूंगी जेब। बहुत आसान काम हो जाए यूं सिलाई करना था, पहले सुई धागा का गला ये लगाना था। एक जगह फिक्स हो जाए बस सिलाई सिलाई लगानी है, तिरछी कौन जाओगी। और ये भी इसने ऐडे तो मोड़ूंगी, एक पंजे का बिच्चा दूंगी और यह सिलाई लगा दूंगी, ये डबल सिलाई लगाऊंगी। और ऐडा पक्का कर दूंगी, जो कर ऐडो को लाई है डबल सिलाई नू ऐडो ऊपर लाई दूंगी ऊपरली साइड। यह लगा दी जेब, ये भी इसके ही है धागे उधेड़ दूंगी, ये कच्चे कराके थे जो ये देखो ये होगी कंगारू जेब। ये सर्दी में ये ऐडा हाथ गाल ले तो गर्म गर्म रह जाओगे, ठंडे को नहीं होंगे, ठंडी कौन लागेगी सर्दी का मौसम में। ये देखो कितनी सुंदर बनी है, लड़कियां ना तो वह पिंक कलर पसंद है, लड़कियां खतर है स्पेशल खजाना सर्दी का, लड़के पारो लड़की पारो, आजकल तो लड़के पहन ले ऐसा कलर।